दमोह से आ रही सिल्वर रंग की संदिग्ध स्विफ्ट कार से थाना विजयनगर पुलिस ने रोककर जांच की, जिसमें 30 लाख रुपए नकद मिले हैं। थाना विजयनगर पुलिस ने 30 लाख रुपए पकड़े हैं। राकेश कौल, मौसम यादव और अशोक ठाकुर से पूछताछ की जा रही है। पेट्रोलिंग जांच के दौरान कार्टून में रखी थैली में 500 के नोट की 60 गड्डियां, जो कि 30 लाख रुपए पाए जाने पर पूछताछ की गई। इसके कोई दस्तावेज फिलहाल नहीं मिले हैं और कार समेत कार्टून थैली में मिली हुई रकम 30 लाख रुपए को जब्त करते हुए कार्रवाई की गई और पूछताछ जारी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, अनुभागीय दंडाधिकारी के द्वारा आए दिन निर्देश दिए जाते थे पेट्रोलिंग एवं चीता को कि संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग किया जाए प्रतिदिन, जिस पर कल पेट्रोलिंग द्वारा एक संदिग्ध वाहन की चेकिंग की गई थी, जिसमें कुछ कार्टून और थैली में कार्टून रखा हुआ था, जिसको चेक करने पर कुछ नकदी बरामद हुई थी। इसमें 500 की 60 गड्डियाँ थी, एक गड्डी में 100 नोट थे, जिसको पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ की गई कि ये नकद कहाँ से लाया गया है, जिसका सही और उचित वैधानिक जवाब ना देने पर पुलिस द्वारा 91 का नोटिस देकर के थाने लाया गया। आज दिनांक तक उन्होंने कोई भी वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं कि ये कैश कहाँ से आया है उनके पास में, और जिसे 102 में थाना विजयनगर द्वारा जब्त किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितने रुपए इसमें थे, कौन लोग लेके आ रहे ये? इसमें 30 लाख रुपए थे और इसमें 3 लोग थे जो स्विफ्ट कार थी उसमें दमोह से लेके आ रहे थे ये, और इनमें राकेश कोल है, मौसम यादव है और एक अशोक ठाकुर है। इनके द्वारा कुछ जानकारी दी गई कि कहाँ ले जा रहे थे? अभी तो पूछताछ की जा रही है कि इनके द्वारा कहां से कहां ले जाया जा रहा था, बाकी इतनी जानकारी है कि दमोह से लेके आ रहे थे ये। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।